हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं ट्रॉपिकल आइलैंड फिश का फार्म है ये, और इनका जो मेन ऑफिस है वो है दुबई वर्सान में, और यहाँ पे इनका फ़िश फार्म है। आइए अंदर चलते हैं फ़िश फार्म में। यहाँ पे इनकी काफ़ी वैरायटी है जी, इनकी सिकलेट की वैरायटी है, इनकी डिस्कस की वैरायटी है, इसके अलावा गप्पी है और गोल्ड फिश है, और भी बहुत सारी इनके पास जो हैं वैरायटीज़ हैं। आइए हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं, फ़िश के पॉन्ड्स हैं, और इन्होंने जो है एक्वेरियम्स भी बनाए हुए हैं। तो चलें हम अंदर चलते हैं और यहाँ का विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं। और इनका जो मेन ऑफिस है, जो इनकी मेन शॉप है वर्सान में, उसका एड्रेस नीचे आ रहा है, वो आप देख लें। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म के ऑर्डर के लिए। चलिए जी, हमारे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक, हम शुरू करते हैं यहाँ का विज़िट। ये हम जी एंटर हो रहे हैं एक और जगह पे, जहाँ पे इन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट की हुई है डिस्कस की। आइए देखते हैं अंदर। ये देखिए जी, यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। ये फ्लावर हॉर्न है जी, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये सब फ्लावर हॉर्न है जी, सिंगल सिंगल उन्होंने इनको एक एक पीस को रखा हुआ है। ये देखें, क्योंकि फ्लावर हॉर्न अगर आप दो इकट्ठे रखेंगे तो ये आपस में लड़ते हैं, इसलिए इनको सिंगल सिंगल करके रखा गया है। यहाँ पे डिस्कस और रखी गई है। ये यहाँ पे केले के दरख्त भी लगे हुए हैं, ये देखें फार्म है ये, और इस फार्म में जो है ना वो फिश की ब्रीडिंग हो रही है, जहाँ पे हम आपको लेकर आए हैं। ये है खुरफकान में। ये देखें जी, ये है जी यहाँ पे लगा हुआ एक आम का दरख्त, और थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपको जूम करके दिखाते हैं, ये आम लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं जी बादाम, ये देखें ये है, और इसके अलावा यहाँ आपको नज़र आएगा ये बादाम लगे हुए हैं, ये है बादाम का दरख्त। ये बादाम का दरख्त है। आइए आगे चलते हैं। अब हम आगे जा रहे हैं जी देखने के लिए कुछ मज़ीद यहाँ पर, जो हमारे फार्म में, जिस फार्म में हम आए हैं यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो आगे लोग फूड के लिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, लेके आए जब मैं ना। अच्छा, बड़े हो गए थे। बड़े हो गए
पानी इसमें आम डाला हुआ है। आम पानी नीचे बोर का पानी। ये मछलियों के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पर। ये देखें, ये हैं पॉन्ड्स हैं छोटे छोटे, इसके अंदर है गोल्ड फिश। ये आपको सारी गोल्ड फिश नज़र आ रही है, और इसके साथ भी एक और पॉन्ड है, इसके अंदर थोड़े बड़े साइज़ की है। ये सीक्लेट है जी, यहाँ पे सीक्लेट है बड़े साइज़ में। ये इनक्यूबेटर हैं जी, और इसके अंदर ये देखेंगे ये अंडे पड़े हुए हैं, यहाँ से भी इन अंडों में से चूजे निकलेंगे। ये देखें जी, ये पॉन्ड बने हुए हैं, एक ये है और एक ये आगे है। ये बड़े साइज़ की है जी फिश। ये एंजल हैं जी, एंजल का पॉन्ड है, इसमें भी एंजल्स हैं जी। ये एंजल्स को अलग अलग करके रखा हुआ है। ये देखें जी, ये एंजल है, यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है एंजल्स की। ये इन्होंने कपल्स रखे हुए हैं, और जो ऑलरेडी अंडे देने वाली हैं एंजल, वो उनको अलग कर दिया हुआ है, और उनके साथ जो है ना ये उन्होंने एक रॉड लगाई है, इसके ऊपर ये अंडे दे देगी। ये जनाब ट्रॉपिकल फिश वाले जो हैं, ये उनका फॉर्म है, और अभी हम इनके मज़ीद आगे चलते हैं। कुछ आपको हमने पहले दिखा दिए हैं, कुछ यहाँ पर भी बने हुए हैं, ये भी देखते हैं। ये पहला देखें जी, पहला जो पॉन्ड है ये लोटस प्लांट्स का है, ये भी सेल होते हैं। प्लेटी का पॉन्ड है, ये देखें जी, काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने पॉन्ड बनाए हुए हैं। ये फ़िश फार्म है, ट्रॉपिकल फ़िश वाले जो हैं, अलवरसान में इनका मेन ऑफिस है, और यहाँ पे इन्होंने फुरफकान में इन्होंने बनाया हुआ है अपना फ़िश फार्म। ये तिलापिया फिश है जी, रेड तिलापिया। ये सब अंजीर के पौधे हैं जी, आगे तक ये सब अंजीर के पौधे हैं जी, खा जाती हैं। पीछे देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये अंजीर के पौधे हैं जी सारे, यहाँ पे इंजीर भी लगी हुई है, आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखें, ये इंजीर लगी हुई है, ये इंजीर लगी हुई है, अभी कच्ची है। ये जी हम दूसरे हिस्से में आ गए हैं आप फॉर्म के, यहाँ पे ये मछली एक पड़ी हुई है, कैटफिश है। ये जी फार्म का दूसरा हिस्सा है, मेन हिस्सा, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्वेरियम्स लगे हुए हैं पीछे भी, और साइड पे छोटे छोटे पॉन्ड्स भी हैं यहाँ पे। पीछे भी दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पे भी काफ़ी सारे पॉन्ड्स हैं। ये इनका मेन जो है वो फार्म का एरिया, ये देखेंगे पॉन्ड्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे मछलियाँ भी हैं इसके अंदर, ये छोटी गोल्ड फिश है कप्पी, और इसके अलावा यहाँ पे हर पॉन्ड के अंदर आप देखेंगे तो आपको मछली नज़र आएगी। पूरा का पूरा फार्म जो है, इसमें सारे छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं।